अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम वो देसी अंग्रेज हो ना, तुम्हें तो वो देसी चाय ही पसंद आती है। और वैसे भी तुम तो दिखते भी चाय ही हो, कोई ठा वाली तो बात भी नहीं है। क्या क्या आवाजें निकालती रहती, क्या था ये चैट है, क्या था ये? और चै मतलब और ठा मतलब, और जो मेरे लिए अब लाए हो वो तो दे दो। नाश्ते के लिए आ जाना, काली कॉफी भी आ जाएगी। वाकई इतना देसी लगने लग गया हूं मैं? अवंतिका के चक्कर में ना अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। आज ही जाके शॉपिंग करता हूं। मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरे साथ आदर जवाबी कर पाए। ये पहली मिली है। ऐसी कोई नहीं मिली जो साफ साफ कहे कि उसे गरीब लोग पसंद नहीं है। ये पहली मिली है। प्रयागराज में तो आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं टकराई जिसे ब्लैक कॉफी पसंद हो। ये पहली मिली है। हमें लोगों को जवाब देना पसंद नहीं, ब्लैक कॉफी पसंद नहीं, ना हमें गरीब लोगों से कोई नफरत है। नफरत है तो सिर्फ तुमसे अगस्त्य, सिर्फ तुमसे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कहीं ने हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये पुलिस हमारे लिए तो नहीं आई है? सर, ईश्वर सर बुला रहे हैं आपको। आता हूँ। नौकरों में भी ना दिमाग नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। आपको तो पता ही है कि आपकी कंपनी के मजदूर हड़ताल पर हैं। शांति है, हम जल्दी ही कोई समझौते पे आ जाएंगे। लेकिन आपका बेटा कोई समझौता करना नहीं चाहता। उन्होंने ही हमें फोन किया था कि जो भी मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं हम उन्हें जेल में डाल दें। लेकिन आप और कुमुद मैडम कुछ ऐसा नहीं करते, इसलिए सोचा कि आपसे बात करके ये मैटर सॉल्व कर ले। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ मत करना, हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, शुक्र है ये पुलिस हमारे लिए नहीं आई थी। तुम ये चावल के डब्बे में क्यों छुपी हुई थी? क्या करती रहती हो तुम? कभी छुप जाती हो, कभी भाग जाती हो। ठीक है, क्यों करती हो इतनी अतरंगी हरकतें? पर अब ये बताओ, पुलिस से क्यों छुप रही थी? झुमका गिर गया था, झुमका गिरा रहे चावल के डब्बे में। वो अगर गलती से चावलों के साथ पक जाता ना, तो
मटर पुलाव की जगह झुमका पुलाव खाना पड़ जाता। अकड़ू पकड़ू। अगस्त्य बेटा, हड़ताल खत्म करने के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे हम बातचीत कर रहे हैं ना मजदूरों से। इन भिकमंगों से बातचीत नहीं की जाती है, इनको डराया जाता है। और माँ ने भी ना इतने सालों से इनको बोनस दे दे के बिगाड़ दिया। बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस। एक बार पुलिस को देखेंगे ना तो दोबारा हड़ताल के बारे में सोचेंगे भी नहीं। श्रीवास्तव फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुमुद माँ, ये अभिमानी आपका बेटा कैसे हो सकता है? आप में इतनी ममता है, आप हमेशा दूसरों की सोचते हो, और ये अभिमानी अपने से आगे किसी को देख ही नहीं पाता। डैड, कंपनी में ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जो पहले ये देखेगा कि कंपनी को फायदा कैसे हो, बाद में ये मजदूरों की सैलरी, जो ये देखेगा कि कंपनी आगे कैसे बढ़ सकती है, ये नहीं कि ये मजदूरों के घर कैसे चलेंगे। हम हमारी कंपनी पहले, बाकी सब बाद में। ओ जी, सच्ची सच्ची बताना, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? हार्वर्ड शार्वर्ड से तो नहीं पढ़ के आए हो, किसी राम भरोसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? ओ जी देखो, जो निक्के निक्के खर्चे और छोटे छोटे और जो छोटे छोटे खर्चे बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है ना, वो अपने बिजनेस को कभी आगे नहीं बढ़ा पाता। अब देखो, अगर अकेला आदमी आगे बढ़ता रहेगा तो अकेला ही लड़ेगा, और बॉर्डर पे फौजों के गुट ना होते। अगर आदमी अकेला ही काम करता तो उसको टीमें शिमें बनाने की क्या जरूरत थी? क्या कहना क्या चाहती हो? देखो जी, एक अकेला होता है और एक होते हैं 11। और जी सुना है ना, हमारे पापा जी तो यही कहते हैं कि कंपनी वही बड़ी होती है जो अपने कंपनी में काम करने वालों को हमेशा खुश रखे। हाँ, हमारी कंपनी ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 3,000 करोड़ की कंपनी है। अच्छा, वैसे अपने अपने नजरिए की बात है, और जो तुम्हें बड़ा लग रहा है और मैंने तो बहुत छोटा लग रहा है। और शायद ना जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। क्यों अंकल जी? बेटा कहना क्या चाहती हो? ओ अंकल जी, मैंने एक बात बताओ कि आपकी ये हड़ताल छड़ताल कितने दिनों से चल रही है? 4 दिन। 4 दिन, और एक दिन अगर काम ना हो तो कितना नुकसान हो जाता है? करीबन 15 लाख तो हो गए 4 दिन के, 7 लाख। ठीक है, और अगर मजदूरों को बोनस वोनस देना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? अब 25 लाख। 25 लाख। तो जी देखो, अब तुम खुद बताओ कि तुमने उन्हें 25 लाख का नुकसान करवाया या अपनी कंपनी को 4 दिन में 35 लाख का? ओ मिस्टर अकड़ू बकड़ू, तो की होया? कोई इतना भयंकर मैच सुधानी तो फिर क्यों नहीं कर पाए? वैसे हमारे पापा जी कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा अवगुण होता है इंसान में जो आदमी को इतना अंधा बना देता है कि उसको अपना फायदा नुकसान ही ना दिखे। हो पता है? हो बोलो जी। एरोगेंस, ईगो, अभिमान, ओ अक्कड़ मिस्टर अकड़ू बकड़ू। और क्यों अंकल जी बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? कोई बेटा, वैसे मैंने आपको उस टाइम गल करते हुए सुना था कि आपकी मम्मी मजदूरों को बोनस वोनस देती है। ओ जी बड़ी अच्छी बात है, वो मेरे पापा जी भी देते हैं। और पता है, मशीन ने इतना तेज काम नहीं करती जितने मेरे पापा जी के मजदूर कर देते हैं। और मजदूरों की तरह साथ नहीं देते, परिवार की तरह साथ देते हैं। और बताओ, अगर परिवार साथ हो तो कोई कैसे पीछे रह सकता है? भाई अगस्त्य, ये लड़की जिस तरह हमें समझा रही ना,
हमें मजदूरों को सिंगल नहीं डबल बोनस देना पड़ेगा। पर आप नहीं दे पाओगे, आप इतने अमीर शमीर कहाँ हो? किसने कहा? क्यों नहीं दे पाएंगे? तो दे दो बोनस, हड़ताल खत्म, काम शुरू। अवनीत बेटा, आज अगर हमारी उद्योग पत्नी यहां होती ना, तो बड़े प्यार से तुम्हारा माथा चूम लेती। पता है वो हमेशा क्या कहती है? कहती है कि हमारे अभिमानी बेटे का अभिमान अगर कोई खत्म कर सकता है ना, तो उसके बचपन की सहेली अवंतिका। कहा करती थी कि वो उसकी परछाई है। शायद बेटा किस्मत को कुछ और मंजूर था। जो अवंतिका को हमारे जीवन से दूर लेके गया ना, वही शायद तुम्हें हमारे पास लेके आया हूं। एक तुम ही हो जो इसे सही कर सकती हो बेटा। अगस्त्य को कोई सही नहीं कर सकता है, पर हाँ उसे सही सबक जरूर सिखाया जा सकता है, और वही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें माफ कर दीजिएगा कुमुदमा, हम आपकी परछाई नहीं बन पाए। क्या खबर है आज? किरण, क्या कारनामा कर रही हो? अरे इंसानों को चोट पहुंचा के मन नहीं भरा जो ये पुतलों को सुई चुबो रही हो? देखो ये आम पुतला नहीं है, मक्खन सिंह है, और ये सुई हमारा पतला है। क्या? टीवी पर देखा था हमने, ऐसे पुतला बनाकर उसमें सुई चुबाओ ना तो उस इंसान को दर्द पहुंचता है। और कर किरण को ऊपर नीचे। हाँ अब देख किरण कैसे तुझे ऊपर नीचे करती है। हमें दर्द पहुंचाया है ना, हमारी बेटी तुम्हारी वजह से फरार हो गई है। अरे ऐसे कोई भी पुतला बनाकर स्विच होने से थोड़ी होता होगा। तुमसे कौन बहस करे? हमसे कौन बहस करे? हाँ हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो बुढ़ाऊ? अखबार में आंखें गाड़ कर बैठे हो। ये नहीं कि जाकर गुमशुदा बेटी की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते। एक बार हमारा मकसद पूरा हो गया तो हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। क्यों जरूरत नहीं है भाई? हाँ वैसे तो बड़ी चिंता करते हो। हाय मेरी अवंतिका, हाय मेरी अवंतिका। अब क्या हुआ, ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारी बेटी उस बुड्ढे की मौत के इल्जाम में फरार है। पुलिस को बताकर हम उसकी मुसीबत और नहीं बढ़ाना चाहते। तुम सुई चुबोती रहो, हमें पूरा यकीन है कि मक्खन को देर सवेर दर्द जरूर होगा। होगा, जरूर होगा। इसने किरण सिन्हा को दर्द दिया है ना, अब देखना हम कैसे इसे सबक सिखाते हैं। जानती हो वो हमारे बड़े भाई को मार कर भागी है। वैसे सोचने वाली बात है कि हम पुलिस को बताएं या ना बताएं, मक्खन सिंह से तो पुलिस को पता चल ही गया होगा, पर पुलिस हमारे घर अभी तक पूछताछ के लिए काहे नहीं है? और ये मक्खन सिंह अकेले इतना आतंक क्यों मचा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमारे। अक्षय, तुझे मक्खन सिंह का अड्डा पता है? अगस्त्य पराठा। शुक्रिया चाची। अरे अवनीत आओ आओ पराठे खाओ गर्मा गर्म। नहीं चाची, इसे पराठे नहीं, इसे ओट्स दो, नहीं तो फिर से वो
देशी और कनाडा वाला ज्ञान देने लगी। हाय, अब इस अगस्ते की वजह से गंदा विदेशी नाश्ता करना पड़ेगा, परांठे भी नहीं मिलेंगे। हम तो भूल ही गए, हमने ना आपका वो फेवरेट मूंगफली वाला नाश्ता बनाया, हम लेकर आते हैं। ये लीजिए, आप लेंगे? ये लो। अरे अरे गजनी बहू, दूर करो मूंगफली अगस्त से। तुम्हें याद नहीं है अगस्त को एलर्जी है मूंगफली से? एक दाना भी खा लिया ना तो खुजली के मारे बुरा हाल हो जाएगा बेचारे का। हटाओ इसे। हेलो। इसने जो कुछ भी किया है उसके सारे सबूत इसके फोन में होंगे, किसी तरह वो हाथ में आना चाहिए। शंभू, जरा अगस्त के कमरे में ये आमरस पहुंचा दो। ओ चलो जी, ओ मेरा तो योगा टाइम हो गया है। लेकिन वो तो खाना खाने से पहले करते होंगे ना? हो जी, आपके इंडिया में करते होंगे, हमारे कनाडा में तो खाने के बीच में ही होता है जी। चलो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया अगस्त, अब फूटेगा। अच्छा जी। आमरस में मूंगफली पीस कर डाल दी है, अब आएगा मजा। पहले भी बता चुका हूँ ना, बार बार बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ जी। क्या हो रहा है? ये तुमसे क्या हो गया? शॉट में कुछ घुस तो नहीं गया? शॉट चेंज करनी पड़ेगी। मेरी अलमारी में छुपके क्या कर रही हो? ओ जी, छुप रही हूँ। किससे? ओ जी, वो चीज से जो यहाँ हर जगह है। ओ जी, धूप, इंडिया की धूप। जहाँ भी जाओ पीछा करते करते पहुंच जाती है हर कमरे में। ओ, इससे बचने के लिए तो एक ही जुगाड़ सूझा, अलमारी में छुप जाओ। हाँ तो अपने कमरे की अलमारी में जाके छुपना था ना, यहाँ क्यों छुपी थी? ओ जी, मेरा छोड़ो। अपनी पीठ के साथ क्या खुजली नाच कर रहे हो? और तुम्हारे हावर शावर में तो नहीं सिखाया जाता है नाच? खुजली नाच नहीं, खुजली हो रही है। ओ, ओ मिस्टर अकड़ू पकड़ू, और तुम्हारी मुंडी इतनी लंबी नहीं है, तो जहाँ खुजली हो रही है ना वहाँ बर्फ शरफ लगा लो, और नहीं तो तरबूजे की तरह लाल हो जानी है। हाँ हाँ सही कह रही हो, किसी से बर्फ मंगवाता हूँ। अरे ये तो अपना फोन लेके ही जा रहा है। हो मिस्टर अकड़ू पकड़ू, हो हमारे कनाडा में ना जरूरत के हिसाब से झाड़ू लंबे किए जाते हैं। हो तुम्हारे हाथ में क्या जरूरत के हिसाब से लंबे हो जाते हैं? क्या 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 रही हो? मेरे पास ना तुम्हारी चबड़ चबड़ का टाइम नहीं है अभी। ओ अकड़ू पकड़ू, हो चबड़ चबड़ नहीं कर रही हूँ, महाज्ञान दे रही हूँ। मैनू एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ क्या जहाँ खुजली हो रही है वहां तक पहुंचेंगे?
या रामायण में दिखने वाले राक्षसों की तरह यूं लंबे लंबे हो जाते हैं। बताओ। हाँ तो क्या करूँ फिर? हाँ मैं लगा देती हूँ। हाँ वैसे भी हम पंजाबी तो समाज सेवा के लिए जीते हैं। तुम लगाओगी मेरी पीठ पे शर्ट उतार के? ये तो सोचा ही नहीं, अब इसके फोन तक पहुंचना है तो करना ही पड़ेगा। हाजी, हम ऐसे रहने ही देते हैं। और वैसे भी तुम ना बड़े शर्मीले टाइप के हो। हाँ वैसे अच्छा है वो हिंदुस्तानी संस्कार। ओ हेलो, ये ना हिंदुस्तानी नहीं अमेरिकन संस्कार है। साइड में रखो, वो पानी वानी चला जाएगा। मैसेजेस हमारे नंबर से ही आया है जब हम ब्यूटी पार्लर में फंसे हुए थे। ऐसा कौन कर सकता है?